अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। ऐसे दो फोन आज लेकर आए तबाही किस्म के, जो आप यूज करेंगे गेमिंग में, कैमराज में, हर किस्म में दोस्तों। और प्राइस में तो आपको जबरदस्त मिलने ही वाले हैं। अंडर 30 के दो बेस्ट स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं, जी हाँ दोस्तों। लेकिन यूज्ड में है दोनों फोन्स, दोनों शाओमी की तरफ से फोन, चलो ये भी बता देता हूं। लेकिन आपको प्राइजेस बहुत कम मिलने वाली है, ऐसी डील्स तब भाई शायद आपको किसी ने ना बताई हो एक साथ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस बेस्ट डील के साथ करते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहला जो फोन है वो है Redmi Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, दो वेरिएंट्स हैं, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज Redmi Note 9 Pro का। यहां पर दोस्तों आपको 8x128 वाला भी 30 के करीब जो है आपको मिल जाना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपको बैक पर डिजाइन प्रीमियम मिलता है, काफी अच्छा खासा ग्लास बैक वाला, फ्रंट भी ग्लास बैक भी ग्लास, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिखने में आपको स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करेगा और अच्छा खासा काफी सिंपल डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। और मजीद इस फोन के डिस्प्ले पर नजर डालें तो आपको 6.67 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला सेंटर पंच होल वाला एक आईपीएस पैनल मिलता है। लेकिन टच क्वालिटी, टच रेस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलता है, ये फोन जबरदस्त दोस्तों। टच आपको क्वालिटी जो है वो आपको पता ही है कि शाओमी के फोन्स की टच रेस्पॉन्स जो है वो ठीक ठाक होता है, और सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है तो आपको डिस्प्ले में मायूस नहीं करेगा। ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी है दोस्तों इस फोन की, ठीक ठाक आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, डिस्प्लेस वगैरह में कोई मसला नहीं होगा। मजीद बात करें दोस्तों गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए इस फोन को खास तौर पर मैंने शामिल किया है। गेमिंग भी एक वजह है, स्नैपड्रैगन 720G का आपको प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 8 नैनोमीटर वाला आप गेमिंग करेंगे, बड़ी ही तगड़ी गेमिंग कर सकते हैं। 720G ऑफिशियल जो फोन है, मतलब ओप्पो, वीवो, सैमसंग वगैरह, उनमें से दोस्तों आपको दूसरा फोन नहीं मिलेगा जो 720G के साथ है और थोड़ा नया फोन हो, बिल्कुल ही आउटडेटेड फोन ना हो, वैसा फोन Redmi Note 9 Pro जैसा नहीं मिलेगा आपको। गेमिंग काफी अच्छी मिलती है, स्मूथ में, अल्ट्रा एंड HD में, हाई सेटिंग्स में PUBG प्ले कर पाएंगे, दूसरी गेमिंग भी इजीली प्ले कर सकते हैं। यहां पर आपको बैक पर क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8, थर्ड 5 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। आपको बहरहाल बैक से 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, आप जबरदस्त वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरास भी जबरदस्त है दोस्तों इस फोन के, अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, कम कैमरास नहीं है, अंडर 30K बेस्ट कैमरा जिसे आप कह सकते हैं दोस्तों। पर 5020mAh की बैटरी और 30W की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, ये भी आपको काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है दोस्तों। और तगड़ी डील दोस्तों मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी इस फोन में अवेलेबल है। प्राइस रेंज के हिसाब से कोई शक नहीं बेहतरीन फोन है Redmi Note 9 Pro। दूसरा नंबर है वो है Poco X3 NFC। जी हाँ दोस्तों, ये फोन भी मैंने अनबॉक्स किया था, डिटेल से कैमरा टेस्ट वगैरह और कंपैरिजंस वगैरह इस फोन के मौजूद हैं Poco X3 के। यहाँ पर 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला आपको एक वेरिएंट मिलता है जो आपको 30,000 की प्राइस में मिलेगा, 30 से कम भी मिल जाएगा कंडीशन, अगर और कम है तो बिल्कुल गारंटी से मिल जाएगा दोस्तों यूज्ड कंडीशन में। अब Poco X3 में आपको यहाँ पर जो है वो प्राइस रेंज का जो हो गया हाल, बैक पर आपको डिज़ाइन ठीक मिलता है, किसी को डिज़ाइन पसंद आता है, बल्कि सा थोड़ा डिज़ाइन है लेकिन ठीक ठाक, एक अलग सा कैमरा मॉड्यूल, अच्छा डिज़ाइन आप कह सकते हैं। वजनी थोड़ा फ़ोन है क्योंकि गेमिंग के लिए बनाया गया है फ़ोन, तो आपको काफ़ी भारी मिलता है। यहाँ पर आपको कलर्स जो हैं वो 2-3 आपको मिल जाएंगे इस फ़ोन में, जो आपको बेहतर लगे चूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में भी आपको दोस्तों डिस्प्ले सेम मिलेगा, 6.67 इंचेस का IPS LCD वाला डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, लेकिन बड़ी चेंजिंग ये है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, मतलब टच रेस्पॉन्स काफ़ी खतरनाक किस्म का मिलेगा। सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले, आप गेमिंग करेंगे दोस्तों आपको मज़ा आने वाला है, बहरहाल वीडियोस देखेंगे। टच रेस्पॉन्स इस फोन का बड़ा ही फास्ट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बैटरी थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो सकती है लेकिन फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, चार्ज कर सकते हैं आप, डिस्प्ले के हवाले से शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी इम्प्रूव मिलता है, स्नैपड्रैगन 732G
8 नैनोमीटर वाला 720G से इम्प्रूव्ड चिपसेट है और थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। पबजी आप स्मूथ में, अल्ट्रा में, HD में, हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। पबजी का ज़्यादा मसला होता है हैवी गेम है, बाकी दूसरी एसफॉल्ट 9 वगैरह दूसरी गेमिंग आप इजीली प्ले कर पाएंगे। गेमिंग के हवाले से कोई आपको मसला नहीं आएगा इस फ़ोन में। मज़ीद कैमरा की तरफ नजर आए, कैमराज भी अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप है, 64 मेगापिक्सल में का मेन कैमरा, सेकेंड 13, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का और फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है दोस्तों इस फोन में। यहाँ पर फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग दोस्तों मिल जाती है, बैक कैमरा में अवेलेबल है। कोई आपको मसले की ज़रूरत नहीं है, मसले वाली बात नहीं है, मतलब आप इजीली अच्छी क्वालिटी में पिक्चर्स ले सकते हैं। प्राइस रेंज के हवाले से बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं अब 30,000 वाले को 50-60,000 वाले से मिलाने लग जाएंगे भाई उस जैसा रिजल्ट होगा, नहीं दोस्तों आपको 30,000 के हिसाब से दूसरे फ़ोन से अगर कंपेयर करेंगे आपको अच्छी क्वालिटी वाले पिक्चर्स वीडियोस बिल्कुल दिखेंगी। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, 5160 mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है, तेज़ी से चार्ज होगा। तो ये फ़ोन आप गेमिंग के लिए, दोनों फ़ोन्स कैमराज के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है और उसके अलावा डिज़ाइन भी ठीक ठाक अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पर गेमिंग कैमराज के हिसाब से आप इसे फ्रंट में रख के अंडर 30,000 एक बेस्ट डील दोनों फोन्स को बना सकते हैं। अगर ये तबाही फोन्स आपको लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, थोड़े पुराने हैं लेकिन मैंने कोशिश की है अच्छे प्राइजेस में अच्छे फोन्स आपको रिकमेंड करें। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।